वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की रीति नीति रणनीति और इन सब की प्रकृति प्रवृत्ति सबको बदल डाला है। मोदी की सरकार और उनकी पार्टी बीजेपी इतने एक्टिव मोड में है कि आपने मोदी को टारगेट किया नहीं कि आप खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ताजा सवाल यह है कि कौन बेहतर है, वे जिन्होंने समूची राजनीति परिवार को ही पोसने पालने बढ़ाने चमकाने के लिए की, या फिर वह जो देश के लोगों के लिए परिवार से बाहर निकला और समूचे देशवासियों को परिवार बना बैठा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीजेपी और मोदी सरकार का नया अभियान कह रहा है जो अचानक तूफान की तरह खड़ा हुआ है। मोदी और बीजेपी कितने मुस्तैद आइडिया के मोर्चे पर हैं, सक्रिय हैं और स्ट्रैटेजी के लेवल पर कितने मजबूत हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। मगर यह सब संभव कैसे हो रहा है? इसका कारण है जनता के बीच मोदी फैक्टर का ग्राफ बढ़ते जाना, उनकी स्वीकार्यता और सर्वश्रेष्ठता का बने रहना। फिर आप सवाल आता है कि ऐसा है क्यों? कोई भी आदमी लगातार लोकप्रिय क्यों हो सकता है? किसी आदमी की पॉपुलरिटी ग्राफ लगातार बना रह सकता है? यह कैसे संभव है? यह यूं है कि मोदी के विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी जैसा बिना थके बिना रुके लगातार काम करने वाला विरले होता है। नेताओं का जनता से जो 5 साल वाला संबंध था कि चुनाव के समय आए फिर अगले चुनाव के वक्त ही मिलेंगे, मोदी ने उसको ध्वस्त कर दिया। देश का प्रधानमंत्री ही रोज लोगों के बीच रहता है, ऐसे में बाकियों पर दबाव इस बात का आ गया कि आप भी जनता के बीच जाएं रहें। मोदी ने विकास के मोर्चे पर प्लान्ड तरीके से काम किया और आंकड़ों को जनता के बीच बार बार रखकर यह बताया कि पिछली सरकारों के मुकाबले उन्होंने कहीं ज्यादा रफ्तार से देश को आगे बढ़ाया। देश की अब तक की राजनीति में अपीजमेंट यानी कि तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ मोदी ने धर्मनगरियों को जगमगाया और होली दीपावली जैसे सांस्कृतिक पर्व त्योहारों की आभा बढ़ाई। इससे उन्होंने देश की विरासत को बढ़ाने का नाम दिया और जातिवादी राजनीति को काटने के लिए देश में 4 नई जातियां बनाई, उनको गिनाया। जो आरोप का मुंह था उसको सीलने के मकसद से था। इसलिए सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था। कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग
मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये मोदी कहते हैं। मोदी का परिवारवाद पीढ़ियों को पोसने पालने का परिवारवाद नहीं है, वैसा वंशवाद नहीं है जैसा कि विपक्ष के कई नेताओं के खानदान में चलता रहा है। मोदी ने जो कहा वह कह करके कि सारा देश मेरा परिवार है, दरअसल उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी तरह के परिवारवादी राजनीति करने वाले नेताओं को जवाब दिया। हुआ यह था कि पटना की रैली में 24 घंटे पहले लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के बारे में परिवार को लेकर के बहुत तीखी बात कही थी, और यह शायद प्रधानमंत्री ही नहीं समूची सरकार और बीजेपी को बहुत बुरी लगी। इसलिए आपको ये जानना चाहिए या सुनना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्या कहा कि नरेंद्र मोदी को आज पलट करके जवाब देना पड़ा और समूची बीजेपी अपने सोशल मीडिया पर इस बात के साथ आ गई कि मैं मोदी का परिवार। ये मोदी क्या है, मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। आज की तारीख की राजनीति किसी सदी की है। 65% आबादी नौजवान है। दुनिया में कहां कुछ क्या हो रहा है, दुनिया की रफ्तार कैसी है वो जानती है। स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडियम, एआई, इन सबों से आने वाला वक्त संवरने वाला है, और उसको जो जानता है वही उसका नेता हो सकता है। ये वंश बढ़ाने, परिवार बढ़ाने, हिंदू होने नहीं होने, ये सारे जो मसाइल हैं, ये सारी बातें हैं, उसके लिए कौड़ी के मोल की हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी 70 पार होने के बाद भी वो आने वाले वक्त, उसकी चुनौतियों, उसके सवालात को समझते हैं और देश के साधन संसाधन के साथ तालमेल करके मुल्क को आगे बढ़ाने की जो उनकी सोच है उसमें उनका जज्बा शामिल होता है, इसलिए आज का नौजवान भी पसंद करता है। मोदी दरअसल अपने बयान से बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर गए और इसमें कामयाब भी रहे। वे कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जैसे लोगों ने सिर्फ परिवार के लिए ही राजनीति की और उसको देश समाज का भला करने का नाम दिया, जबकि मोदी ने देश को ही परिवार बनाया और उसी के लिए अपना जीवन खपा दिया। बात पलट गई। इसको कहते हैं जवाब में ही सवाल खड़ा कर देना और फंदा जो है सामने वाले के गले में फेंक देना। वैसे लालू प्रसाद यादव ने पटना की रैली में जिस तरह से अपने दोनों बेटों को लेकर के लोगों से जो अपील की वह मोदी की बात को मजबूत कर गई। तेज प्रताप, तेजस्वी, तेजस्वी को और मजबूत करना है। मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हम सभी बेसी मेहनत करता। जब अपनी औलादों के बीच में आदमी सिमट कर रह जाता है तो फिर दुनिया, समाज, देश क्या जानता है। यही संकेत, संदेश शायद
बीजेपी लालू प्रसाद यादव को देना चाहती है या उनके जैसे नेताओं को? मोहब्बत की दुकान से एक के बाद एक नए जहर बुझे सामान निकलकर सामने आ रहे। हम सभी ने विगत लंबे समय से 16, 17, 18 वर्षों से देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, पराजय की कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास से कमतरी से बावस्ता होकर जितने भी प्रकार के ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। नरेंद्र मोदी जहां से कह रहे थे कि समूचा देश मेरा परिवार है, वह जगह है हैदराबाद, दक्षिण भारत के राज्य, और दक्षिण के राज्यों पर इस बार नरेंद्र मोदी की नजर कुछ ज्यादा है। इस साल के शुरुआत में 6 दिन वो दक्षिण भारत में ही रहे, फिर उसके बाद वे 2 दिन के दौरे पर गए, उसके बाद 2 दिन के लिए गए। नए साल के गुजरे 2 महीने यानी कि 62 दिन और इसमें 10 दिन वो दक्षिण के राज्यों में रहे। इस बार उन्होंने क्या किया है, क्या दिया है, क्या देने जा रहे हैं, यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी देश के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से को टारगेट कर लेते हैं अपने खिलाफ किए गए बयानों के लिहाज से, और राजनीति में किन किन इलाकों में उनकी मौजूदगी किस किस लिहाज से होनी चाहिए और वहाँ की स्थानीय रणनीति है वो क्या हो, इसमें वो माहिर हैं, या कहीं उनकी टीम जो है इस लिहाज से बहुत कुशल है। प्रधानमंत्री तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। सोमवार को आदिलाबाद को 56,000 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दी। मंगलवार को संगारेड्डी में 6,800 रुपए की परियोजना की सौगात दे रहे हैं। इसमें बिजली, रेल और सड़क जैसी बुनियादी परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया। आदिलाबाद में बिजली के क्षेत्र में मुख्य फोकस है। पेदापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना, यह परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो तेलंगाना को 85% बिजली की सप्लाई करेगी। इसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले 2 प्रमुख नेशनल हाईवे का शिलान्यास भी है। और संगारेड्डी में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में देश के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत देखेंगे, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये जो विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, दक्षिण भारत को वो एक नई हैसियत देंगी, वहां के लोगों की जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर के आएंगी, और इस बदलाव का, इस बेहतरी का जाहिर है एक सिरा नरेंद्र मोदी तक आता है, और वो मुमकिन है कि 2024 के नतीजों में भी दक्षिण भारत से दिखे। बीजेपी पिछले 10 सालों में दक्षिण भारत में अपना संगठन और जनाधार दोनों बढ़ाती रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बढ़ते ग्राफ ने बीजेपी को या वहां अपनी हैसियत बढ़ाने में बहुत मदद की है। कर्नाटक दक्षिण का अकेला राज्य है जहां बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में देखें तो 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में
जहां 43% कर्नाटक में वोट मिले बीजेपी को, वहीं 2019 में 53%। केरल में 2014 में 12% जो वोट था वो 5% बढ़कर के 17% हो गया। तमिलनाडु में 2014 के लोकसभा चुनाव में 24%, जहां बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया, ये ध्यान रखने वाले थे कि जिन सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी उन सीटों पर उसका वोट परसेंटेज 24 था, जो 2019 में 29% हुआ। तेलंगाना में जिन सीटों पर बीजेपी लड़ी वहां उसका वोट प्रतिशत 19% था, जो बना रहा 2019 में भी, और आंध्र प्रदेश में उसका वोट गिरा। कॉन्टेस्टेड सीट्स जितनी हैं उसमें जो वोट प्रतिशत था वो 2019 में गिरा, लेकिन उसके पास भी उसके 4 लोकसभा सीटें तेलंगाना में बीजेपी के हिस्से में 2019 में आई। तो यह जो स्थिति है, अगर आप देखें तो कर्नाटक की 25 और तेलंगाना के 4, 29 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और आप एक सीट पांडिचेरी की ही मान लें तो 131-32 सीटों का यह जो पूरा इलाका है दक्षिण भारत का, उसमें इस बार नरेंद्र मोदी एक बड़ा मार्जिन लेना चाहते हैं, और इसकी खातिर उन्होंने वहाँ बहुत मेहनत की है, काम किया है और लोगों से अपने आप को जोड़ा है। इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जनवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे। रामेश्वरम के बाद मोदी तिरुचिरापल्ली पहुंचे थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा के बाद यहां उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी, उनका भव्य स्वागत हुआ था। बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सबका उत्साह देखने लायक था। इसमें एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचे थे। चेन्नई में पीएम का रोड शो था। भीड़ ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी उस वक्त खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई पहुंचे थे। जनवरी के पहले हफ्ते में वे केरल के त्रिशूर गए। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी, यहां भी महिला शक्ति का पूरा समर्थन प्रधानमंत्री के हक में दिखा। उनके कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई। पिछले महीने ही 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें केरल के लोगों का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला है और यहां आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। इस जनसभा में लोगों का उमड़ा हुजूम आपको दिख रहा है। जो स्क्रीन पे तस्वीर है वो दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और लोगों का उनके साथ जुड़ाव है उसकी गवाहियां हैं ये तस्वीरें। पीएम ने केरल को भविष्य को जीने वाला और भविष्य को जानने वाला राज्य बताया था। अगली तस्वीर में आपको लक्षद्वीप की दिखाने जा रहा हूं। अगत्ती हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक समारोह को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। मोदी ने लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए की या उससे अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन जानते हैं, नरेंद्र मोदी इस बार, या आप यूं कहें कि चुनाव में एक तो मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर विकास को रफ्तार और विरासत को आगे बढ़ाना, इन दोनों के संतुलन का नाम है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें इजाफा, बहुत सारे मुद्दे हैं मोदी फैक्टर के साथ, विकास को रफ्तार देने के साथ, राम मंदिर के साथ, जो इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए कारगर हथियार के तौर पर काम आ सकते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इनमें सबसे बड़ा जो है वो कश्मीर है। कश्मीर इसलिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का वो मसाइल रहा है जो पिछले 70 साल से एक विवाद के तौर पर रहा, और 2019 में नरेंद्र मोदी ने 370 हटा करके ये दावा किया कि हिंदुस्तान के आम राज्यों की तरह ही अब जम्मू कश्मीर विकास और बेहतरी की रफ्तार
पकड़ेगा और वहां की तकदीर और तस्वीर दोनों संवरेगी। और आज कश्मीर नए दिन देख रहा है, नई सुबह देख रहा है, नई आबो हवा है, नया मौसम है और वादियों में एक नई रौनक है। मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर जाने वाले, पिछली बार 2019 में गए थे, अभी एक हफ्ते पहले जम्मू के दौरे पर थे। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद मोदी ने घाटी की पहली यात्रा की होगी। पिछली बार उन्होंने फरवरी 2019 में घाटी का दौरा किया। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के आज की तारीख में इंतजाम मजबूत किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की कोताही नहीं छोड़ना चाहते, यही कारण है कि पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में कई विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसके चलते स्टेडियम की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है जहां रैली होनी है। अपने लगभग 2 घंटे लंबे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के कुछ स्थानीय लाभार्थियों के साथ बातचीत भी प्रधानमंत्री करेंगे। वे बख्श स्टेडियम में एक बड़ी सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। बख्श स्टेडियम के आसपास की सभी ऊंची इमारतों को सुरक्षा बलों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। श्रीनगर शहर में कई स्थानों पर अस्थाई जांच चौकियां बनाई गई हैं और शहर में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सुरक्षा की जा रही है। मकसद यह है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सके। बख्श स्टेडियम में होने वाली सार्वजनिक सभा में घाटी के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले मोदी 2019 में कश्मीर गए थे, 70 के हटने के बाद पहली बार, उसके बाद 2020 में भी उनकी यात्रा रही थी। कश्मीर में काफी कुछ बदला है इन पिछले 5 वर्षों में। अब मैं तस्वीरों के जरिए उस बदलाव को बताने जा रहा हूं, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने अतरे में आप बैठे होंगे तो आपको यह समझ में आ जाए कि कश्मीर में अगर 370 हटा करके सरकार ने दावा किया था कि वहां सब कुछ बदलेगा, बेहतर होगा, आतंक, दहशत और बारूद से सनी हुई जो घाटी है वो वहां से निकल करके आएगी, उसका पूरा रुआब, उसका रुतबा, उसकी रौनक, वहां का अमन, यह सब लौटेंगे, बेहतरी के दिन आएंगे। इसलिए अब जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं वो सरकार के उन दावों की गारंटी लिए हुए या उनकी बानगी है या गवाहियां हैं। ये लाल चौक है जो अभी आप देख रहे हैं, 26 जनवरी की तस्वीर है। राष्ट्रभक्ति का जज्बा लाल चौक पर अरसे बाद दिखा। लाल चौक यानी कि दहशत का अड्डा, लाल चौक अब यानी कि इस तरह का जलसा, ये मोदी सरकार के लगातार प्रयासों से ही मुमकिन हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भी दिखी थी। एक वक्त वो भी था जब अलगावादी थे, कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इन तस्वीरों ने उन राजनीतिक दलों को भी जवाब दिया जो इन अलगाववादियों की जबान बोल रहे थे। बीजेपी सरकार में ही यह मुमकिन हो सका, यूं कहे कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संभव हो सका कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। पूरी दुनिया ने बदलते बढ़ते नए जम्मू कश्मीर को देखा है। अब जो तस्वीरें आपको दिखती हैं, 5 साल बाद क्या यह संभव था? ये डल के पानी पर गिरी हुई रोशनी, रोशनी में दमकती हुई ये शिकारे और सुकून से घूमते, मौज मस्ती करते सैलानी, आज कश्मीर में स्टेडियम बन गए। घाटी के नौजवान खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों और नौजवानों के सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार को, यानी कि उनको इम्पावर करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और उनके रास्ते को और खोलने के लिए जम्मू कश्मीर के 2024-25 के बजट में प्रायोरिटी दी गई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 200 खेल मैदान और 100 कोर्ट बनाए जाएंगे। घाटी में फिल्म कल्चर जो खत्म हो चुकी थी लौटने लगी।
श्रीनगर में थिएटर शो हो रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा हो गए लोगों ने सिनेमा घरों में सिनेमा नहीं देखा, उनके लिए सपना था, पूरा होने लगा, जिसे युवा एक नई सुबह के तौर पर देख रहे हैं। स्थानीय कलाकारों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर शो श्रीनगर में किया। उनको तो मंच मिल ही रहा है, कई पुराने कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर भी बनने लगे। जो लड़कियां घरों में कैद रहती थी वो अब खुली हवा में सांस ले रही। कई यूट्यूबर्स लड़कियां घाटी की खूबसूरती को सोशल मीडिया पर दुनिया तक पहुंचा रही हैं। जम्मू कश्मीर में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राज्य में अब 12 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश को एम्स मिल चुका है, 750 बेड की क्षमता है और रोजाना 2 से 3 हजार मरीजों की जांच होती की जा सकेगी। 2019 में पीएम मोदी ने ही एम्स की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर में दूसरा एम्स भी बन रहा है। पिछले महीने की 30 तारीख को ही पीएम मोदी ने जम्मू में आईआईएम और आईआईटी का उद्घाटन किया। सोचिए आप, आईआईएम, आईआईटी, एम्स क्यों नहीं थे जम्मू कश्मीर? पीएम को सुनिए। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। नौजवान विकास की मुख्य धारा में लौट चुके हैं, लौट रहे हैं, पत्थरबाज नहीं, अलगाववादी नहीं दिखाई पड़ेंगे। आतंकवादियों का नामो निशान खत्म हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अब जुबान बदल रहे हैं। जो कहते थे कि कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कश्मीर खत्म हो जाएगा, कश्मीर नहीं रह सकता हिंदुस्तान के साथ अगर 370 नहीं रहा तो, अब वही साहब आज का जो कश्मीर है उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। ये उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि उन्होंने पूरी उम्र
बल्कि कई पुश्तें सिर्फ परिवार की राजनीति की हैं। लेकिन परिवार से बाहर निकल करके जब कोई देश की राजनीति करता है तो तस्वीर बदलती हुई सी नजर आती है, तो जुबान बदलनी पड़ती है। कश्मीर को परिवार की तरह जिन लोगों ने रखा, जो मोदी कहते हैं कि परिवारवादी पार्टियां जो हैं, जो अपने परिवार से बाहर निकल नहीं पाई, परिवार से नोच खसोटकर परिवार के भीतर रखना, उनकी पुश्तें बढ़ाना, उसके बाहर कोई परिवार नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसी दायरे को तोड़ा है। और वो क्या कहते हैं कि पूरा भारत परिवार है, 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मोदी जो ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कन्विक्शन है, और यही कन्विक्शन लोगों के भीतर इस बात का भरोसा पैदा करता है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए, आम आदमी के लिए करना चाहते हैं। जब कोई प्रधानमंत्री 365 दिन बाहर दिखता है, वो काम के मोर्चे पर दिखता है, शिलान्यास करता है, उद्घाटन करता है, देश की इमेज को दुनिया में चमकाने के लिए लगातार मेहनत करता है, अपनी पूरी टीम को लगाए रखता है, पूरी पार्टी को खपाए रखता है, तो फिर जो ट्रेडिशनल राजनीति थी, आराम से अपने बूते, परिवार के बूते बात बना करके सत्ता में बने रहने की जो तिकड़म ढूंढा गया था, वो सारे जाले टूट गए। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।